हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर हमें कोई फाइनाइट डिस्टेंस मेजर करना हो, जैसे कि मान लें अगर इस मार्कर का लेंथ मुझे मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक मीटर स्केल यूज कर लेंगे और आसानी से इसका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यानी कि इसका लेंथ हम मेजर कर लेंगे। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं आप अपने स्टडी टेबल पर पढ़ते हैं, तो स्टडी टेबल का अगर लेंथ आपको मेजर करना है, भाई आसानी से एक मीटर स्केल ले लो या एक टेप लेंथ ले लो, जिससे जिस पे रीडिंग दिए हुए थे, आप आसानी से उसको यूज करके आप उसका लेंथ मेजर कर सकते हो। या मान लो कि अगर मुझे इस चौक का डायमीटर अगर मुझे मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वर्नियर कैलिपर यूज कर लूंगा या एक स्क्रू गेज यूज कर लूंगा और आसानी से इसका डायमीटर हम बता सकते हैं। भाई ये तो हम बात कर रहे हैं कुछ फाइनाइट जो कि हमें डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन क्या होगा तब जब हमारे पास डिस्टेंसेस बहुत बड़े हों। एग्जाम्पल के लिए अर्थ से अगर हम किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए। या अगर हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस की बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो हम क्या कर सकते हैं। इन सिचुएशंस में हमारे पास जो मेथड मैंने बताए आपको पहले, वो यूज नहीं हो सकते हैं। भाई आप मीटर स्केल लेके तो अर्थ से प्लैनेट तक तो जा नहीं सकते हैं कि इस तरह हम मेजर कर लें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ना तो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो हमें बता सके कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर डायमीटर क्या है मॉलिक्यूल्स का, ये डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या है, हम बता ही नहीं सकते। उनके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल तरीके हैं, कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, वही हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम लार्ज डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, एक बहुत ही स्टार्टिंग सी छोटी सी कॉन्सेप्ट, वो है एंगल्स के बारे में, और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है जो कि है टैन थीटा, वो कैसे हम मेजर करते हैं वो मैं बता दूं आपको। तो एंगल मेजर करने के लिए सब हम जानते हैं, अगर रेडियस हमें एंगल मेजर करना है, उसका मेथड बहुत सिंपल है कि अगर मान लो मेरे पास एक आर्क दिया हुआ है, मान लो ये एक आर्क है जिसका सेंटर दिया हुआ है यहाँ पे ये, और ये एंगल है थीटा। मान लेते हैं ये आर्क लेंथ दिया हुआ है एस, इसका रेडियस है आर और एंगल है थीटा। तो ये जो थीटा है, थीटा विल बी गिवन एज एस बाई आर, यहां लिख सकते हैं ये आर्क लेंथ एस विल बी इक्वल टू आर थीटा। भाई जान लो छोटी सी बात, यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा दिया हुआ है रेडियंस में, तो थीटा इज इन रेडियंस। ये भाई ये याद रखना, ये फॉर्मूला जब भी यूज करना थीटा से रेडियंस में यूज करना, कभी भी डिग्री में मत यूज कर लेना, एक छोटी सी चीज है। नेक्स्ट थिंग मैं एक और याद दिला दूं, या जो लोग अभी 11th में है उनके लिए स्टार्टिंग वाली चीज होगी, जिन लोगों को पहले से पता है, वेल एंड गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से अभी क्लास 11th में ही होंगे, जस्ट अभी एंटर किए होंगे, वो जान लें कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को मेजर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, मान लेते हैं ये थीटा है, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है पी और ये बेस है बी, तो टैन थीटा की वैल्यू होती है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो एक बात जरा सोचो यहां पे, कि अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाए, जस्ट इमेजिन अगर ये परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाए, या हम ये बोले कि ये वाला पॉइंट जो है, अगर इस पॉइंट को मैं ए मार्क कर दूं, ये पॉइंट बहुत दूर हो जाए, इतना दूर हो जाए कि काफी दूर, उसको हम समझे कि ये इन सब वेरिएबल से, इसके लेंथ के वेरिएबल के हिसाब से, इसके कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, तो अगर तब मैं मेजर करूंगा, मान लेते ये नया एंगल है थीटा डैश, तो अब देखो ये जो वैल्यू, नया वैल्यू है बेस का, ये हो गया बी डैश, ये काफी बड़ा हो गया। इस समय अगर मैं बोलूं टैन थीटा डैश, वो कितना होगा, वो होगा अभी पी बाई बी, लेकिन देखो जैसे ही दूर होता जाएगा, तो क्या हम मान सकते हैं कि भाई यहां पे ये हो गया हमारे पास सेंटर का पॉइंट और ये छोटा सा आर्क मान सकते हैं। तो इसी तरह मैं बता सकता हूं कि परपेंडिकुलर ये हो गया आर्क लेंथ, तो हमारे पास ये है आर्क लेंथ और ये हमारे पास है बेस बी, ये हमारे पास है बेस बी। अब देखो ये थीटा डैश है और यहाँ पे टैन थीटा डैश लिखा हुआ है, तो मैंने जस्ट पहले एग्जांपल बताया है कि थीटा दिस वाज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन दी रेडियस। इसी तरह टैन थीटा डैश को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज थीटा डैश, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे टैन हटा देता हूं, ये हो गया थीटा डैश। तो भाई जान लो कि जब भी ये जो परपेंडिकुलर ये बहुत छोटा हो, या ये जहां सेंटर वो बहुत दूर पे हो, तो हम tan थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं थीटा डैश से। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ने के लिए हमें जरूरत था, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया। आगे बढ़ते हैं।
तो आज की जो हमारे क्लास का सेंटर है वो है लार्ज डिस्टेंसेस भाई कैसे मेजर करना है, हाउ आर यू गोइंग टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। अच्छा अब देखो, शुरू करने से पहले मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक मार्कर का टिप है। सब लोग अपने साथ एक समय ट्राई कर सकते हो कि अगर मैं इस टिप को एक आंख से देखने की कोशिश करूं, मान लो इसको मैंने ऐसे रखा अपने अगेंस्ट और अब इसको मैं सिर्फ राइट आई से देखने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ राइट आई से, तो मुझे एक जगह पे ये दिखेगा। अब मैंने क्या किया, इसको जस्ट इस देख रहा हूं, अब मैं लेफ्ट आई से, राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से देखूं, तो मुझे क्या होगा, ये एक ही जगह पे नहीं दिखेगा, ये दो अलग अलग पोजिशन पे दिखेगा भाई। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ये जो पेंसिल टिप था यहां पे, ये मुझे पहली बार में दिखेगा टिप यहां पे राइट आई, मान लेते लेफ्ट आई से, और यहां पे मुझे दिखेगा ये राइट आई से, दो जगह दिखेगा ये पेंसिल टिप। और ये रहा मेरा, ये मेरी आई वन एक आंख, ये नहीं दूसरी आंख। तो क्या होगा, हमारे पास दो पोजीशंस दिख रहे हैं एक ही टिप के। ऐसा क्यों हो रहा है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं पैरालैक्स, यानी कि पैरालैक्स यानी कि ऐसी चीज जो कि रियल में है नहीं लेकिन हमें प्रतीत होता है, हम फील करते हैं ऐसा है लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, यानी कि ये पैरालैक्स है। तो अब देखो, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं दोनों पॉइंट्स को, अपने आई से दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, तो हम क्या कहां चले जाएंगे, बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाएंगे जो कि हमारे आईज पे एक एंगल थीटा सबटेंड कर रहा होगा। ये जो है ये लेंथ है हमारा बेसिस, दिस इज आवर बेसिस। दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं बेसिस, यानी कि जो दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा बेसिस। यानी कि हमारे इस केस में हमारे दोनों आंखों के बीच जो सेपरेशन है, इन दोनों आंखों जो सेपरेशन है वो उसको होगा, उसको कहेंगे हम बेसिस। अब नेक्स्ट थिंग, इसको क्या कहेंगे भाई, ये कहेंगे पैरालैक्स एंगल। ये हो गया हमारे पास पैरालैक्स एंगल, ठीक है। तो यानी कि हम समझ लिए कि भाई पैरालैक्स एंगल क्या होगा, यहां पे ये पता चल गया हमें पैरालैक्स एंगल। अब देखो, इस मेथड को अगर हमें यूज करना है तो हम क्या करें, इन सारे चीजों को यहां पे लिख देते हैं, एंगल थीटा हमने लिख दिया, इस बेसिस लेंथ को लिख देते हैं बी, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास है डी। तो ये बेसिक चीज जान लो पहले, हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे। अब आते हैं हम इस चीज को यूज करने के लिए, जब ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे किसी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। भाई मान लो कि हमें क्या करना है, हमें किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, तो हम क्या करेंगे, अर्थ के दो पॉइंट्स पे, अर्थ पे किन्हीं दो पॉइंट्स पे हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हुआ सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन दोनों पॉइंट से मैं अर्थ के प्लैनेट को ऑब्जर्व करूंगा, इन दोनों पॉइंट से। अच्छा आप देखो, कहीं ऑब्जर्व किया तो कैसा हमें फील होगा, हमें क्या दिखेगा कि भाई प्लैनेट है कहीं यहां पे, मान लेते हैं कहीं यहां पे प्लैनेट है, अर्थ के दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया एक प्लैनेट पी को, ये हो गया हमारा बेसिस बी, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ पैरालैक्स थीटा, और ये हमारा हो गया दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिसको हम मार्क कर देते हैं ए और बी, ठीक है। ये रहा हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए और बी, ये हो गया हमारा प्लैनेट और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ पैरालैक्स, ये हो गया बेसिस। अच्छा अब देखो, ये प्लैनेट जो है अर्थ से बहुत दूर है, तो यानी कि ये जो लेंथ हमारे पास बेस लेंथ, ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना, और ये लेंथ जो है काफी बड़ा हो गया। तो समझो ये रेडियस है मेरा डी, जिस तरह मैंने बताया था एंगल, ये हो गया हमारा बी जो कि मेरा परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पे थीटा विल बी इक्वल टू बी बाई डी। देखो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ये जो डिस्टेंस है बहुत दूर हो, डी बहुत दूर हो। इसके बाद हमें पता क्या करना, हमें पता करना है कैपिटल डी की वैल्यू। भाई क्या हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो कैपिटल डी आसानी से हम मेजर कर सकते हैं, डी विल बी इक्वल टू बी बाई थीटा। आसान हो गया, ये काफी आसान है, बस आराम से डी को बी बाई थीटा हम मेजर कर लेंगे। याद रखने की बात यहां पे ये है कि यहां पे जो थीटा है वो हमें रेडियस में मेजर करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे साथ, इस तरह हम निकाल सकते हैं लार्ज डिस्टेंसेस।
इसके एग्जाम्पल के लिए मैं अगले वीडियो में इसको इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल करवाऊंगा, जो कि आपके एनसीईआरटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा उसको समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो, इस पैरालेक्स मेथड को हम क्या और पता करने में यूज कर सकते हैं, देखते हैं इसे। अब देखते हैं हम कि इस पैरालेक्स मेथड को हम और क्या यूज करने में, हम और क्या फाइंड करने में यूज कर सकते हैं। वो है हमारे पास एंगुलर डायमीटर निकालना हो किसी भी प्लैनेट का। तो मान लेते हैं अगर हमें एंगुलर डायमीटर निकालना है तो कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास एक प्लैनेट है, तो हम क्या करेंगे, इसके दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे अर्थ के किसी एक पॉइंट से। यहां पे हमारे पास अर्थ का कोई एक पॉइंट है, ये प्लैनेट का दो पॉइंट जिसे हमें ऑब्जर्व करना है। तो पहले मैंने इसको ऑब्जर्व किया यहां से, और फिर हम क्या करेंगे, अपने गिवन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ये एंगल हम एस्टिमेट कर लेंगे। लेट्स कॉल दिस एंगल एज अल्फा, लेट्स कॉल दिस डायमीटर एज डी। या डायमीटर के लिए इस बार हम एक अलग टर्म यूज कर लेते हैं, स्मॉल डी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट निकाला है कैपिटल डी से। तो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट ऑलरेडी हमें पता है कैपिटल डी, और ये हो गया डायमीटर डी, और ये हो गया एंगल अल्फा। अच्छा, अब देखो अगर हमें डायमीटर डी निकालना है, हमने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स देखे ऑब्जर्व किए हैं अर्थ से, ये एंगल अल्फा हम ऑलरेडी हमें इंस्ट्रूमेंट बता देगा। अब उसके बाद देखो, इसी तरह अगर मैं अल्फा लिखूं, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहां पे स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, या स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी डी इंटू अल्फा। यानी कि अगर आपको डायमीटर बताना हो तो डायमीटर की वैल्यू होगी कैपिटल डी, जो कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ है, और अल्फा जो कि हमारा एंगल ऑफ पैरालैक्स है, यानी कि जो पैरालैक्टिक एंगल है। तो ये था हमारे पास लास्ट डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए, ये मेथड हम यूज करेंगे। इसको और अच्छे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अभी के लिए अपने एनसीईआरटी बुक में जो पीछे सवाल दिए हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगले वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। तो प्लीज अगले वीडियो को भी जरूर देखें आप लोग। तो थैंक यू एवरीवन मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आगे एक वीडियो में लाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।